राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर दूसरे दिन भी गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। आंदोलित कर्मचारियों ने मांग की है कि हरियाणा हिमाचल की तर्ज में उत्तराखंड में भी एनएचएम कर्मियों को वेतनमान दिया जाए और आउटसोर्सिंग तैनाती प्रक्रिया बंद की जाए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भी एनएचएम को अपना समर्थन देते हुए अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। एनएचएम अपना अधिकार मांग दे। आज पूरे प्रदेश में एनआरएचएम के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारी एकजुट होकर के अपनी न्यायोचित मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार पर है। आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चल रहा है और जहां तक इनकी मांगों का सवाल है वो बहुत ही न्यायोचित मांगे हैं, जिसमें जीवन धारण के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक देने की मांग है, जिसमें इनके और जितने कैडर हैं उनको एक्स कैडर के रूप में मानने की बात है। कोरोना काल में जिस प्रकार इन साथियों ने पूरे समर्पण भाव से काम किया है, सरकार को चाहिए कि वो इनकी मांगों पर तत्काल विचार करे।